देख सकते हैं हम लोग। रख दीजिए जीजू। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, हर कदम साथ हो। तो गाइस, इतने दिनों से हमको महसूस हो रहा था कि हम अकेले हैं, लेकिन आज हमको लग रहा है कि मेरे साथ 1,65,000 लोग मेरे साथ है, और आप लोग हो तो कोई डर नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग के आए हुए लगभग 10 घंटा होने वाला है अब थोड़े देर के बाद से। और आप लोगों को बता देते हैं कि सब लोगों को खाने को पूछ रहे हैं जीजू, पर खुद नहीं खाए हैं। और ये बाहर से सबको दिखा रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, पर यही जानते हैं, क्योंकि सबको धीरे धीरे करके सबको पूछ भी रहे हैं कि खाने को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है ना। और फिर थोड़े देर के बाद से दीदी से हाथ पकड़ के पूछ रहे हैं, तुम घबराना मत, हम हैं तुम्हारे साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक अलग ही खुशी होता है जब मतलब हस्बैंड साथ में हो जाता है तो। और यही चीज़ को वो पिछले बार बहुत मिस की थी, और अभी तक कभी कभी बोल देती है, तो इन ये बोलते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा काम था, पर आज ये साथ ही इनको भी फील हो रहा होगा सब कुछ। और ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और सुबह से सब लोग बैठ भी जा रहा है, पर ये नहीं बैठ रहे, बोल रहे हैं नहीं सब लोगों का ध्यान भी रखना है। तो देखते हैं धीरे धीरे। और मम्मी पता नहीं मायूस बैठी हुई हैं सीढ़ी के ऊपर, और मतलब हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर वो फीलिंग, उसका इंतज़ार बहुत देर से हो रहा है। तो जैसे वो बाबू आ जाता है या बबनी आती है, तो देखते हैं। उसका नामकरण का भी बहुत लोग सोचा है, पर अभी डॉक्टर बोले हैं कि बस और कुछ देर और रुकना पड़ेगा और वॉक करते रहना है, यानी कि पानी चढ़ने के बाद से वो वॉक भी कर रही थी। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे आगे क्या होता है। अभी और कुछ खाने के लिए सबको देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग कुछ बोल नहीं रहे, पर हाँ भूख सबको लग गया होगा। तो देखते हैं अब क्या मिलता है, अभी खिला देते हैं फिर उसके बाद से। और कसम से गाइस, आप लोगों को बहुत दिल से हम कैसे अब किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं, पर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रे किया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पर ठीक है, आप लोगों का ये जवाब जो है, मैं घर जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं ज़रूर दूंगा, पर रात पर भी आप लोगों को भी जगना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लगातार आते जाएगा, बस बने रहिए वीडियो पे। चलिए दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से कि मम्मी अभी क्या कर रही हैं और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है अभी, जिसको होगा उसको ना पता चलेगा। बहुत बहादुर है आप बगल में, उनको दर्द भी नहीं है? नहीं, दर्द नहीं है, समय ज़्यादा हो गया है, 9 महीना 20 दिन हो गया है उसे। चलने के लिए चल रही थी, टहल रही है, दर्द हो रहा है, 3-4 घंटा में दो तीन घंटा में हो जाएगा, सुन जाएगा बहुत पे जाओ खान खाते हो। इसीलिए कहा गया है कि बच्चा को 9 महीना पहले से माँ जानती है, बाप तो 9 महीना के बाद जानते हैं, हो जाएगा तब पापा जाने में कि हाँ बच्चा हुआ है, तब जननी माँ होती है। सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया, कुछ चाय थोड़ा पी सब लोग, 2 कप। आज भूख भी नहीं लग रहा है किसी को भी, बस ऐसा लग रहा है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी बाबू आ जाती। और तो और दीदी को रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, आ नहीं रहा था, अपने से आंसू निकल रहा था। तो देखते हैं वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा
कैसे क्या होता है, और फिर उसके बाद से आप लोग बस देखते जाइए, चाय लेके जाते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके सब कुछ होते जाएगा। तो आई होप आप आगे सब बढ़िया। तो गाइस एक्चुअली रोज़ तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, पर आज भूख भी नहीं लग रहा है किसी को भी। बस ऐसा लग रहा है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी बाबू आ जाती, और तो और दीदी को रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, आ नहीं रहा था, अपने से आंसू निकल रहा था। तो देखते हैं, वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है, और फिर उसके बाद से आप लोग बस देखते जाइए, चाय लेके जाते हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके सब कुछ होते जाएगा। तो आई होप आप आगे सब बढ़िया। चाय भी आ गया, शाम का वक्त हो गया, आज खाना भी नहीं खाई मम्मी। आप सुबह का खाना चल रहा है, ऐसे लग रहे हैं का हालत खराब हो गया। थोड़ा चाय और घी दिया जाए। पानी कितना बोतल चढ़ा है अभी? अभी तो एक बोतल नहीं चढ़ा है, इतना नहीं चढ़ा है। अभी भी चाय में घी डालना पड़ेगा ऐसा कुछ है? हाँ, घी डाल के दिया, गरम गरम पिएगी तो जल्दी से छुटकारा हो जाता है शरीर का। और भगवान करे, माता जी करे कि आज शनिवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और हो जाए तो हम लोग भी आराम करें। डॉक्टर के पास तो आप लेके गई थी? बहुत दिनों से कराती हूँ, उसके साथ हम भी नहीं सो पा रहे हैं रात भर। थोड़ा देर के बाद हम उठ के, रात में सोए थे उसके पास, तो हम बार बार पूछ रहे थे कि पूजा। तो ये है दीदी की ननद, और हर जैसे ही दुख आता है तो सबसे पहले ये पहुंचती है, और जैसे ही सुख आता है पहुंचता है, दोनों आते हैं, ऐसे बात नहीं है। मतलब सबके पहुंचता है, जैसे ये सीमान में ही रहती है इसीलिए जल्दी पहुंच जाती है, ट्रैफिक नहीं मिलता है, पर दोनों बहनों में झगड़ा हो जाएगा। पर झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, प्यार रहता है, लेकिन थोड़ा तकड़ा हो, जब तकड़ा होता है तभी तो प्यार बढ़ेगा, वही बात है, नहीं होता है सबके पहुंचता है टाइम। तो क्या बोले डॉक्टर, अभी सब कुछ ठीक हो रहा है? तो चलिए अभी अभी कम से कम 4-5 आप भी खाना नहीं खाई है सुबह से, जो वही खा के आई है वही, बस कोई नहीं खा रहा है, पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रहा है। तब तो भूख भी नहीं लग रहा है मम्मी नहीं किसी को भी। चले हम अपना नन्ना मुन्ना बाबू बोले के हाथ में खिलाएंगे, नहीं तले भूख भी नहीं लगेगा। वैसे पापा घरे हैं तो पापा बोले हैं कि हम सब्जी रोटी बनवा के लेके आएंगे। बहुत सारा सरप्राइज, हाथ रख दो दीदी, देख सकते हैं हम लोग, रख दीजिए जीजू। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, हर कदम साथ हो। तो गाइस चाहे यही बोला जाता है, जब फैमिली जब साथ में होता है तो सुख हो चाहे दुख हो, सब लोग एकदम मस्ती में काटता है। और गाइस अब वक्त हो चुका है, मैं अभी जाऊंगा घर पे। मम्मी बोल रही हैं कि मैं रुकूंगी, क्योंकि जब भी ये मतलब बोल तो नहीं रही हैं, पर ऐसे मजाक में भी बोल रही हैं कि जा रहे हैं, तो दीदी एकदम हाथ पकड़ ले रही है और बोल रही है कि नहीं मम्मी आप मत जाओ। तो मम्मी बताइए क्या बोल रही है? बोले हैं एक बार कि जा रहा है, खाना कोई खाया नहीं है सुबह का, सब लोग खाया हुआ है रोटी सब्जी, तो हम सोचे कि जाएंगे तो सब्जी उब्जी बना देंगे तो सब लोग खाएंगे, गेस्ट लोग बने, जैसे उसके घर का ससुराल का लोग आए हैं तो उन लोग को भी खाना चाहिए। तो बोलिए कि ना मम्मी मत जाइए, आप बनेगा चाहे नहीं बनेगा, हम लोग बाहर से सब लोग खाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जा रहा है। लेकिन हम इतने दिनों से हमको महसूस हो रहा था कि हम अकेले हैं, लेकिन आज हमको लग रहा है कि मेरे साथ 1,65,000 लोग मेरे साथ है, और आप लोग हो तो कोई डर नहीं है, कोई टेंशन और नहीं अब है। मैं जा रहा हूँ घर पे चाची को लेके, थोड़ा खाना वाना खा के, और उसके बाद से पट से जाएंगे और फटाक से आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, आज वीडियो का सिलसिला बढ़ते ही जाएगा, बनते ही जाएगा। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। जय श्री राम।